क्या आप भी अपने फोन में किसी भी फोल्डर को या आप किसी भी फोटो को हाइड करना चाहते हैं यानी कि छुपाना चाहते हैं तो कैसे आप छुपा सकते हैं ऐसे वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए और आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा कि आखिरकार किसी भी कॉल यानी कि फोटो और वीडियो को हम कैसे छुपा सकते हैं कैसे हम उसे हाइड कर सकते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको एल्बम पर क्लिक कर लेना है एल्बम पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका एल्बम आ जाएगा यानी कि आपको सबसे पहले अपना गैलरी ओपन करना है ओपन करने के बाद एल्बम पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर आपके सारे के सारे एल्बम यानी कि फोल्डर आ जाएंगे यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको एक फोल्डर बना लेना है सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं अपने ही नाम का जैसे हम यहाँ पर अपने नेम का एक फोल्डर बनाएंगे ओके कर देंगे इतना काम करने के बाद अब यहाँ पर आपका फोल्डर बन चुका है यहाँ से आप बैक आ जाइए जैसे आप यहाँ से बैक आ जाएंगे तो आपका ये फोल्डर बन चुका है अब आप जिस फोटो और वीडियो को छुपाना चाहते हैं हाइड करना चाहते हैं वो सारे फ़ोटो और वीडियो आपको इस फोल्डर के अंदर आपको कॉपी करना है या आपको मूव कर लेना है तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे कैमरे में बहुत सारे फ़ोटो और वीडियो हैं जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये फोटो है और इसे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद एक ये फोटो है और उसके बाद नीचे आएंगे एक ये फोटो है और ये तीन फोटो हम छुपाना चाहते हैं अगर

लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है हाइड करने का आपको हाइड पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके okay कर देना है ओके okay करने के बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक लॉक बनाने का ऑप्शन आए तो आपको अपना पासवर्ड बना लेना है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पासवर्ड बना के रखा हुआ है अब बाई चांस अगर आप अपने हाइड एल्बम को देखना चाहते हैं यानी कि देखना चाहते हैं कि हमारा कहाँ पर है जो फोटो मैंने हाइड किया हुआ है तो आप यहीं से देख भी सकते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा थ्री डॉट आप इस पर टच करेंगे यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे सेटिंग पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है व्यू हिडन एल्बम आपको इस पर टच करना है टच करने के बाद यहाँ पर आपका वो एल्बम आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपको इस पर टच करना है टच करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा अनहाइड आपको यहाँ से अनहाइड करने का ऑप्शन मिल जाएगा इस पर टच करेंगे तो आपका जो फोल्डर होगा या एल्बम होगा वो आपका अनहाइड हो जाएगा अगर बाय चांस इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपने गैलरी में आपको दो फिंगर से स्क्रोल डाउन करना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिलीज टू ओपन प्राइवेट फोल्डर तो आपके यहाँ पर सारे के सारे प्राइवेट फोल्डर आ जाएंगे यहाँ पर आपने जो लॉक डाला हो आपने लॉक डाल देना है लॉक डालने के बाद सारे के सारे प्राइवेट फोल्डर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता हैं और यहां से भी आप अपने फोटो को देख सकते हैं या आप उसे अनहाइड कर सकते हैं आपको थ्री है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अनहाइड करने का आप यहां से कर सकते हैं नहीं तो आपको इस वाले पर क्लिक तो यह होता है तरीका आप अपने गैलरी के अंदर किसी भी एल्बम को या आप फोटो को छुपा सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के तो मिलते हैं नेक्स्ट में इतना ही और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद